शनिवार वाड़ा हॉन्टेड है। शनिवार वाड़ा किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा है। इस किले में सत्ता के लोभ में मराठाओं के पांचवें पेशवा 16 वर्ष के नारायण राव की निर्मम हत्या करवा दी गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्माओं ने इस किले में भटकती रहती है और अंतिम घड़ी में उनके द्वारा ली गई चीखें आज भी इस किले की चार दीवारों में गूंजती रहती है। सो गाइस, बेसिकली आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित जीपी ब्लॉक बारे में कहीं ना कहीं सुना या देखा जरूर होगा। यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। अक्सर लोगों ने चार लड़के बिल्डिंग की छत पर मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि यह खंडहर में तब्दील किले में लोगों ने भूत को देखा है और यहाँ लोग आने से बहुत डरते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ एक लड़की लाल कपड़े पहने हुए कभी छत पर तो कभी बाहर जाते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, हम आज आप लोग के सामने डुमस बीच की कुछ कहानियाँ लेकर आए हैं। लोग कहते हैं शाम होने के साथ ही वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और वह बहुत दूर तक सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी रात को डुमस बीच पर जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर डुमस बीच लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन इस डुमस बीच को लेकर लोगों के दिलों में कई भूतिया कहानियाँ हैं। डुमस बीच के नज़दीक लाशें भी जलाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि जिन मृत लोगों की आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है या जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्मा इस डुमस बीच पर भटकती रहती है।